मेरी नोटिफिकेशन था ना ऊपर, उस पे उंगली लगी, वो हट गया वहां से एकदम। अरे अरे लविश को ऐड कर और भारती को बुला भाई, लविश के पास शेयर करता हूँ मैं, तू भी शेयर कर। कहाँ गए लविश सर? भारती को भी बुला ले। अरे हेलो, अरे आ गए आ गए आ गए आ गए। आदि, जब मजा आने लगता है ना तो क्या कर देता है लाइफ में। अरे नहीं, ऊपर यार से मैं अभी जो नोटिफिकेशन आ बता रहे थे, रहा मैं लविश उसको भाई कितनी तगड़ी इंग्लिश बोली थी ना, पाटेदार। नहीं, मैंने हाँ, भाई साहब ने नहीं, मैंने इसने ऐसी नोटिफिकेशन लविश बोली, भारती को गाय बना दिया इसने। भारती को बुला यार, भगवान करो मजा आता है उसके साथ। भारती को ही बुला। सेकंड, आगे मुझे भारती। लगा, मुझे लगा आदि ने हमें लात मार दी। नहीं मैं नहीं नहीं यही नहीं तो कह रहा, मैंने की यार ये क्या किया, इसने घर पे बुलाया खाने के लिए, साला ताला लगा के भग गया। ये तो वही वाली बात होगी, घर खाने के लिए बुलाया और खुद ताला लगा गायब। नहीं 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 मैं अपनी ओ भाई तारीफ सुन रही थी और लाइव बंद हो गई। देखो भारतीय ऐसे टाइम कर, जब मैं बदतमीजी से बात करता हूँ ना, जब ये लाइव बहुत देर चलाता है, और जब मैं तमीज अरे से बात आदि, करता हूँ लाइव को भी भारती की सिफारिश राजम नहीं हुई। नहीं नहीं यार भारती बहुत अच्छी थी। भारती दिल भारती से, पापा दिल के से बड़े प्यार थे। करते हैं, दिल से झुनझुनी उठती है, मजाक नहीं कर नहीं रहे। देखो भारती झुनझुनी तो उठती है थोड़ी बहुत, देखो झुनझुनी तो वो तो तय है, वो तो उठती है उसमें ओके तो नहीं। बट होना भी चाहिए, थोड़ा 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 होना ऐसा चाहिए। ऐसा है क्या भारती, मतलब जो देखते नहीं आपको ऐसे लविश के अंदर झुनझुनी उठती है? ओ माय गॉड, हम लुक है ही मारी ऐसी हो चीज नहीं भाई। सच ए में। लुक देख, लुक देख, लुक कैसी मारी है भाई साहब। टोपी वाले हेलो, आदि दादा टोपी, टोपी वाले। यस यहाँ सर। देखो, यहाँ बैठे हैं लोग, आप कहाँ इधर उधर टहल के आ रहे हो? यहाँ कोई नहीं नहीं गार्डन मैं है? थोड़ा खाने गार्डन का जुगाड़ कर चल रहा था। रहा है? है? अक्की तुमने मुझे तेरे अनफॉलो कर दिया। हैं है? अक्की तेरी इतनी हाँ मजाल हुआ, ओ फिर माय मैंने भी गॉड किया, बट भारती आई नोटिस। ले 1 मिनट देख, अभी नीचे अक्की फॉलोअर आया होगा, देख नीचे देख आ गया। अरे हुआ क्या अक्की भारती, और मैंने किसी को अनफॉलो कर फो दे पर भारती अनफॉलो नहीं होगी। भारती को तो मैं जिंदगी में ना करूं अनफॉलो। अरे मुझे भारती वो मतलब मतलब ये बात मेरे दिल पे लग गई थी कि नहीं, अरे अब उसे छुटा के फेंक जल्दी, छुटा उसे। वो हुआ क्या भारती, आईडी में प्रॉब्लम चल रही थी ना, उस वजह से मैंने पहले 0 अनफॉलो किए, फिर उसके बाद लिमिटेड लिमिटेड लिमिट फॉलो करके सभी अपने जो अपना ग्रुप था फॉलो कर लिया, बाकी और किसी से साले से कोई मतलब नहीं, नहीं जो नहीं भाई अपने लोग है पनौड़ी ना। को वो है, पनौड़ी के उसमें मोबाइल में कोई दिक्कत है, वो अभी आया था लाइव पे बोल के गया है कि वो बाद में आएगा, उसके मोबाइल में कुछ दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं आ रही थी। असली जिंदगी तो ये जी रहे हैं लविश, बाहर कैसे कैसे? अपना आराम। अरे अरे नहीं भारती, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। हाँ बुला ले, आप भी बुला ले। एक अरे इंस्टाग्राम की लौंडिया, एक इंडिया की लौंडिया, जाना लविश चुपाते, वहां के बिगड़ जिंदगी अधूरी। उसे यूएस का वीजा, उसे डायरेक्ट यूएस का वीजा, आओ अमेरिका आओ। भारतीय भाई, और किसी का बुला हो, के भाई, नहीं, और किसी का भारतीय हो को या ना बुला हो, के भारती का पक्का है, पासपोर्ट भारती छीन का पक्का लो, है। सुनो या है अमेरिका बुला के, का पासपोर्ट छीन लो, अरे यार बाल मजदूरी में डाल दो कहीं हाँ गलत गलत हो रही आएगा तो यू। बताना भाई, सुनो नीचे से बता वो देना अगर जो मोबाइल भूतन डिबोल का हो त्योहार तो। आ रहा ना भाई, जो भूतन का त्योहार आ रहा हो, हेलो बीन वाह, मैं भारतीय जो ना काली चुड़ैल बना देंगे पर्वत लगा के कोई बात नहीं, भारती भारती एक सेकंड भारतीय रुकना, को क्या पनौड़ी पता ऐड है। करने के लिए बोल रहा है कुछ बातें हाँ में, ठीक ओके है ओके ओके आना भारती, जाना मत 1 मिनट। नहीं तेरा क्या लफड़ा चल रहा है भाई? अरे मेरे को, मैं तो इन चीजों में लफड़ों में पड़ता ही नहीं भाई, मेरे को तो मैटर ही नहीं होता कुछ। हेलो, हेलो जी, गुड और भाई मॉर्निंग कैसे हो अक्की? सर अरे अभी भाई, गुड लवेश भाई, मॉर्निंग डॉन आ गया, डॉन। सर। और कैसे हो लवेश भाई? सब बहुत अच्छे, बढ़िया कैसे हो, भाई, सब पनौड़ी बढ़िया, में आप क्या चल बताओ। रहा है? बाहर सब कुछ ठीक भाई। अच्छा भाई सुन बालियान, कल रात को वो लंगड़े की लाई में मैं बैठा हुआ था, ठीक है, जहां वो लंगड़े ने बोला था कि भाई सूफी ने तेरे बारे में कुछ गलत बातें बोली। मैं खुद नहीं,
वो रात की लाइव नहीं थी, सुबह की लाइव थी। अरे अरे मैं वही बोल रहा हूँ, अमेरिका की तो नाइट होती है ना, इंडिया की सुबह होती है, तो वो नाइट वो लाइव पे मैं नीचे। सुनो 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 सुनो, नाम लेके बात करो मेरी लाइव पे, किसी को भी ये मत बोलो मैं सिर्फ सूफी की माँ चोद रहा हूँ, उसकी माँ चोदूंगा मरते। नहीं 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 नहीं, सूफी सुन 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 बात, मेरी बात तो, अरे मेरी बात, अरे मेरी पहले बात तो, अरे पहले बात तो सुन ले, बात तो सुन ले पहले तू। उसका नाम लेके बोलो, गोल्डी बोलो, ये मत बोलो कि क्या है वो, जो भी अपनी लाइफ पे बोलो आप उसको, मेरी लाइफ पे मत बोलो। और सूफी की माँ चोदूंगा तो चोदूंगा, इस मादर चोदरंडी के बच्चे ने क्या बोला, मैं दोगला हूँ इसकी, क्या मैंने बहन चोदी थी? अरे यार ये पागल हो चुका है, ये सुनने को तैयार ही नहीं है, क्या बोलूँ मैं? दो मिनट चुप हो जा, एक बार सुन तो ले पूरी बात, पहले पूरी बात सुन ले, उसके बाद तुझे जो सही लगे भाई तू कर वो, ठीक है? पहले बात सुन ले। तो कल मैं वो रात में मैं लाइन में बैठा हुआ था जब तू ऐड हुआ था, ठीक है? वहां पे उसने तेरे बारे में, सूफी ने तेरे लिए जो बात बोली थी, तो उस बंदे ने वो बात तुझे लाइव पे बताई, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है? अब दूसरी चीज मैं तुझे बोलता हूँ, उसी बंदे ने, तेरे ही वो दोस्त ने, गिरा हुआ इंसान को लाइव में लेके गिरा हुआ इंसान को ये बोला था कि मैंने उसको फोन पे, मतलब व्हाट्सएप कॉल पे, मैंने वो खोलती अरसाना को ये बोला कि मैं गिरा हुआ इंसान मुझसे पैसे लेता है, ठीक है? अरे गिरा हुआ इंसान मुझसे पैसे लेता है, ऐसा खोलती हरसाना ने अपनी लाइफ पे स्टेटमेंट दिया था। तो उसी टाइम पे गिरा हुआ इंसान ऐड हुआ, गिरा हुआ इंसान ने मुझे ऐड करवाया और वहां पे बात क्लियर हुई। मैंने बोला नहीं, मैंने तो आज तक, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है गिरा हुआ इंसान से, भाई वो अपनी मर्जी से अकाउंट उड़ाता है, मेरे हैकर अलग है, मेरा क्या मतलब है गिरा हुआ इंसान से। तो बेसिक पॉइंट ये है बात का कि खोलती हरसाना मेरे और गिरा हुआ इंसान में लड़ाई डालना चाहता था, बात को समझता है ना तू? तो मैं तुझे ये समझा रहा हूँ मेरे भाई कि अगर तेरे पास कोई प्रूफ है, अगर तेरे पास कोई वॉइस नोट उसने तुझे भेजी है, या तो उसने तुझे कोई रिकॉर्डिंग सुनाई हुई है, तो उसके बेस पे तू गाली दे। कल को लवेश को ये कोई बोल देगा फोन करके कि भाई पनौड़ी तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है वो बोल रहा है, तो लवेश भाई क्या सच मान लेंगे बात को? तो भाई मैं एक काम करता हूँ ना, मैं दोनों को सामने ऐड कर दूंगा भाई साहब। सुन 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 सुन, अगर तेरे पास प्रूफ है, अगर तेरे पास प्रूफ है तो भाई तू गाली दे उसको, मैं तुझे सच बोल रहा हूँ। कल को तो भाई ये अक्की के बारे में, अक्की मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा, लोग मुझे फोन करके बोलेंगे कि भाई अक्की पर, अरे प्रूफ कहाँ है भाई, प्रूफ कहाँ है? एक काम करो, सुन ले सुन ले, तू भी भाई बहुत सुन सुन, तू भी भाई बहुत स्मार्ट है, ठीक है? वो खोलती हरसाना ये चाहता है बेसिकली कि सूफी को तू गाली दे, उसकी बातों में तू आ गया, ठीक है? वो बंदा अपनी गेम खेल गया और वो सक्सेस हो गया, यहाँ पे तू तूने आव देखा ना ताव, तू देने लग गया गाली। अरे भाई पहले प्रूफ तो मांग ले उससे। मैंने आज तक सूफी को कभी गाली दी थी? मैं तो इन चक्कर में पड़ता हूँ किसी पर्सनल लड़ाई। यार सुनो, अक्की भाई मेरे कितने क्लोज हैं, अक्की भाई की भी अगर कोई कंट्रोवर्सी लड़ाई हुई, मैं कभी सुन 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 सुन, लोगों ने सुन सुन, लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा नाम चेंज कर दिया, मुझे रेपिस्ट बना दिया, मेरे बारे में मैं 50 बार जेल में जा चुका हूँ। किसी के पास कोई गवर्नमेंट प्रूफ है? एनीबडी हैव गवर्नमेंट प्रूफ? नहीं। तो उन सारी बातों को लेके मैं भैंचर लोगों को गाली देता फिरूंगा क्या? पागल है तू, सटक गया तेरा दिमाग? सबसे पहले लवेश को सुनो, सबसे पहले आज से एक साल पहले लवेश को मेरे बारे में बातें डाली गई। लवेश ने क्या किया, मुझे फोन किया, मुझे पूछा कि पनौड़ी भाई ये वो। मैंने बोला लवेश भाई यू लिव इन यूनाइटेड स्टेट राइट, आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीजें पता है। लवेश ने मुझे एक ही चीज बोली, पनौड़ी भाई मैं समझ गया, ठीक है? तो भाई अब उस बात को लेके लवेश मेरे पे चढ़ गया होता तो एक साल पहले आज हमारे दोनों के बोलने के भी बेंच और रिलेशन नहीं होते। तो भाई थोड़ा दिमाग से सोचा कर, ठीक है? उसको बोल लाइव चलाने से पहले उसको बोल के खोलती हरसाना मुझे वो वॉइस नोट भेजो,
मुझे प्रूफ दो उसके बाद तुम गाली दो सूफी को। फालतू में त्योहार के दिन तू शुरू हो गया। अभी मैं एक घंटे पहले लोगों को नॉलेज दे रहा था रामायण की, और तू यहाँ पे गालियां देने के लिए शुरू हो गया। कुछ भी, अरे भाई मैं गालियां पालियां मैं कभी करता नहीं। अरे लेकिन मेरे भाई तू पहले प्रूफ तो मांग ले, पहले प्रूफ मांग, उसको सुना लाइव पे, तो लोग तुझे सपोर्ट करेंगे। नीचे लोग नीचे लिख रहे कब से के भाई प्रूफ तो दिखा, प्रूफ तो दिखा, प्रूफ तो दिखा, तू गाली दे जा रहा है। ठीक है मैं प्रूफ अगर कोई बात सुनी थी तो क्लियर तो कर लेता। जैसे कि एग्जांपल मैंने को कॉल किया कि हाँ मेरे को ऐसी बात सुनने में आई है, तो उसने क्लियर किया, ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब वो है कि क्लियर तो कर लेता यार। मैं तो ने मुझे एक सवाल पूछा कि पनौनी भैया अगर तुमने रेप किया है तो तुम कैसे बाहर कैसे हो, ये अमेरिका है यहाँ 25 साल की लगती है, नो बेल। Right. कुछ भी लोग बोलते हैं तो सब लोगों की बातें मैं दिमाग में लेके घुमा करूं क्या? अरे यार मेरा बहुत ज्यादा माइंड अपसेट हो गया था हिसाब से ज्यादा। अरे मैं उस सूफी के लिए कल मैंने 50 लोगों को मैसेज किया, मैंने कहा यार इसकी आईडी वापस आ जाए पूछो, और वो बहन जो रात को मेरे को मैसेज में पता लगे कि वो मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को उल्टी गालियां दे रहे हैं लोगों को कॉल कर करके। खोलती अरसाना पागल हो चुका है, उसका आईडी जब से मैंने उड़ाया है, इसका दूसरा भी आईडी मैंने प्रोसेस में डाला हुआ है, उड़ जाएगा 2-3 घंटे में। ठीक है, वो पागल हो चुका है, वो सूफी को अपना दुश्मन मानता है, तो तेरे दिमाग में सूफी के लिए गलत गलत बातें डाल रहा है कि भाई तू उसको गाली दे। तू समझता क्यों नहीं मेरे भाई? कनौड़ी की गर्लफ्रेंड आ गई, वो बोल रही है आई गटा गो। यार धनतेरस का टाइम है, धनतेरस का टाइम है, और तू यहाँ पे गाली दे रहा है। मैं सुबह में 2 घंटे तो रामायण के बारे में लोगों को पाठ पढ़ा के आया, क्या है यार? तू गाली दे, लेकिन एक बार उसको लाइव बंद करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको फोन करके पूछ के भाई तू मुझे प्रूफ भेज, मुझे लोगों को लाइव में सुनाना है, फिर देख। अगर तू सच्चा होगा, सूफी की लोग मारेंगे के सूफी दोगला है, सूफी ये है वो है, तुझे पूरा इंस्टाग्राम सपोर्ट करेगा। तो यार सर अब तू इतने पूरी दुनिया घुमा हुआ है, तो पूरी दुनिया तो तूने घूम ली अपने सपनों में, फिर भी भोसड़ी के यहाँ पे आके बकचोदी पेल रहा है। चलो भाई अपने सपनों में नहीं भाई, मैंने मैंने मैं तो पिछले 1.5 साल से सब मुझे देख रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत मजे लेता हूँ, मैं अपनी रियल लाइफ में फुल एंजॉय करता हूँ। अरे तू एंजॉय कर, तू एंजॉय कर, मजे ले, लेकिन पहले सच्चाई और झूठ का कुछ अपना प्रूफ तो ले ले किसी सामने वाले से। मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं हाँ वो करता हूँ। हाँ तो उसको पहले पूछ ले, वो पागल हो चुका है, कल किसी ने मेरा इंडिया का एड्रेस भी दिया है उसको, मेरे गांव का, समझा? तो वो पागल हो चुका है। ये चीज मैं एग्री करता हूँ इस चीज को, मैं लाइव पे दिखाऊंगा ये चीज जो बोल रहा है, मैं लेके आऊंगा उस बंदे। साले बचपन में वो स्प्राइट वाली एड नहीं दिखी थी तूने? ये इस्तेमाल करने से कुछ था ना वो साला, इस्तेमाल करने से पहले अपना दिमाग लगाओ। अरे घड़ी का था वो, घड़ी पाउडर का पहले इस्तेमाल। अरे घड़ी का नहीं था वो, स्प्राइट का भी एक आता था। नहीं नहीं वो ऐसा था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो अरे वो तो निर्मा का था, स्प्राइट के जब स्प्राइट लॉन्च हुई थी ना इंडिया में, तो वो लड़की ऐसे बाथिंग टब में सो के स्प्राइट से अपने बाल को धोती है वो ऐसे। अच्छा वहां पे वो था, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो पहले अपनी अकल लगा, हाँ पहले अपनी अकल लगा, उसको बोल के भाई मुझे प्रूफ दे, मुझे लोगों को लाइव पे सुनाना है, उसके बाद तू गाली दे भाई। ठीक है बालियान, चलो भाई हैप्पी धनतेरस भाई, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। या नहीं नहीं भाई ये चीज मैं कॉल करके देखता हूँ। तू कहाँ से ऐसे चक्रों में फंसा हुआ है भाई? मैं नहीं यार लोहित भाई, मैं कभी 1.5 साल में पिछले यार मैं तो कभी अक्की भाई की लड़ाई में नहीं आया, मैं बीच में हट जाता हूँ भाई। देखो तुम्हारी मेरी में भी नहीं आया, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं नहीं सुनो में फंस रहा है। क्यों ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको हैप्पी दीपावली, और सब अपने त्योहार अच्छे से मनाए और खुश रहे, खुशहाल रहे, आदि की तरह ना करे, त्योहार वाले दिन भी रौड़ा ना मचाए, गाली ना दे किसी की, त्योहार वाले दिन खुश रहे सब।
हाँ ये बिल्कुल गलत बात है आदि की। आदि आज के दिन तुझे खुश रहना चाहिए था। यार मेरा आज मैं देखो मैं कभी मैं लाइफ में कभी मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ आज। आप एक बात बताओ छोटी सी, मैं आपके लिए पूरा दिन सबसे बोलता फिर यार लोहित भाई के साथ भी गलत हो गया और मुझे साला रात को 2 बजे फोन पे या लाइव पे पता लगे लोहित भाई बोल रहे हैं आदित्य की माँ चोद दो, तो भाई मुझे कैसा लगेगा? अब सोचोगे दिल दुखेगा नहीं दुखेगा? अब मुझे ये तो नहीं, वो तो यार, है पर तो वही चीज मेरे साथ ने बोला ना कि तुझे प्रूफ नहीं है ना, मतलब ऐसे किसी ने बोल दिया तुझे, अब किसी ने बोला था कि मैंने सुनो अब वो आदमी अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा रहा है तो बताओ एक अपने औलाद के सामने तो कोई कसम नहीं खाएगा? अब ये अब देखो प्रूफ के लिए तो अब एक जुबान होती है। अब आप मुझे कॉल पे बोल दो कि ठीक है आदित्य मैं जरा काम कर रहा हूँ फिर आप मना कर दो तो आप प्रूफ क्या करोगे? अगर आप मुझे कैश दे रहे हो सुनो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपने मुझे मिले आपने मुझे कैश दिया उसका ना कोई फोटो है ना वीडियो है, एक जुबानी तो होती है सोचने इस बात को, तो कहाँ से लाओगे उस चीज का प्रूफ आप? या तो फिर वो आदमी जिसके साथ तेरी डील हो रही है वो आदमी का एक बात कर रहे हैं, मेरे को अब तेरे पे विश्वास है, मेरे को ट्रस्ट है। हाँ बोलो बोलो। उसका फोन आया कैमी पुत्तर की आईडी से नीचे बैठा है बोल रहा है ऐड कर, कैमी पुत्तर की आईडी से नीचे सूफी कैमी पुत्तर ऐड कर, सूफी भाई का फोन आया। धनतेरस चाचा जी आ जाओ सामने, सामने तो हूँ मैं, ये देखो रोड दिख दादा। हाँ रोड दिख। अच्छा अच्छा आजकल रोड पे हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा आदित्य बलियान के आगे मेरे से जलता है, है? मेरी मेरी खुशियां देखी नहीं जाती इससे। हे लविश भाई दिन आ गए तू चाचा पे जल रहा है? हाँ अरे जलन लगता है पूरी पूरी। अच्छा हाँ ये बात अब देखें चाचा अब देखें देखे चाचा हैप्पी धनतेरस चाचा। अबे यार चाचा आपने अपने चेहरे पे अच्छी सी कोई स्मार्ट वाली चाचा अपने चेहरे पे अच्छी सी कोई स्मार्ट वाली वो करवा लो प्लास्टिक सर्जरी, इस चीज से बैंक इंस्टाग्राम लाइव बैन कर देते हैं आपकी शक्ल देख के। अरे चाइना के वो है फिल्टर, चाइना के फिल्टर कवर में और ये देख नया के आदि देख नया के प्लान तू चलाने के लिए। हां भाई अरे कर लो यार फिर ये चीज तो मिलेंगे आदि कर लूंगा मैं जो कह रहा है कर ले एक बार उसको ऐड करनी है तो बात कर कौन को गोल्डी के सामने ऐड करूंगा अब ऐसे नहीं अब दोनों को सामने ही करूंगा मैं उसको एक बार ऐड कर चुका था मैं दोनों को सामने करूंगा क्योंकि अभी पता क्या ये बोलेगा मैं कसम खाता हूँ नहीं किया वो बंदा बोल रहा है कसम खा के किया सामने देखो सच्चाई का तब पता लगेगा जब वो दोनों सामने बैठेंगे। अब यार एक बात बताओ अब मैं इनकी बात सुनूंगा तो चाचा तो मुझे अपनी बात बोलेंगे ना जब दोनों जिस जिसने मेरे को बोला जो बात हुई मैं उन दोनों को सामने बिठा के बोलूंगा तब होगी सच्चाई। तू कुछ जज है अदालत खोल लगी तूने तो यहाँ पे कर रहा बकचोदी। बहुत बढ़िया चाचा बहुत बढ़िया बकचोदी कर रहा बोलने का जैकेट पहन लिया गर्मी हो गंदा चाचा सही जा रहे हैं अबे किसी ने कहा था तुमसे 16 डिग्री कर बकचोदी कर रहा पोथी का जैकेट पहन नहीं पंखे में भी रह ले एसी में जरूरी है 16 डिग्री करना सर्दियों में जैकेट पहन के दिखाना हमें देख हाफ में ले ये देख चाचा गर्मी वैसे आदि कुछ सुनाई नहीं दे रहा आदि लग नहीं रहा कि लाइव में बैठा है। अरे नहीं लविश भाई नमूनिया हो गया नमूनिया अब वो बहन के लबड़े बता रही हूँ इतने मारूंगा ना तेरे कवच खराब कर दूंगा मैं हल्के में मत ले लियो माधव चोर मैं बता रही हूँ तेरे को बे नाजिम अक्की छोटी औलाद मयूर मेरे को कुछ मत बोल दियो मैं मैगी डर के तो चुप चुप के तो रह रहा माधव चोर मेरे मारे घर से निकल नहीं रहा भोजन का मैं भी दरवाजे में बैठा हूँ माधव चोर निकले और इसकी कनबड़ी पकड़ू तो चाचा फॉर्म में है पूरा चाचा फॉर्म में आज अरे चाचा फॉर्म में नहीं चाचा की पीछे स्टप निकल कौन निकल गया बाहर नहीं तुझे समझा रखा है गोली बिस्कुट वालों की बद्दुआ मत लिया कर मैं कोई मजदूरी कर रहा हूँ उनकी बद्दुआ मत ले साले आए लग जाएगी पानी बोतल दो कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है दुकान चला रहा क्यूँ यहाँ की लोग जने के से तो पेट पाल रहे यार उनकी बद्दुआ ले रहा है उन्हें गाली पक के
लविश भाई को देख लो, लविश भाई देखो बेचारे बच्चे पाल ले, आया का काम कर रही है बात है भाई साहब, चाचा को सब पता है यार। ओ भाई तो और हम है बढ़िया रोजगार है, चाचा यही देखते है सारा दिन, सुबह अखबार पढ़ता है, पूरी रात इंस्टा पे रहता है। अरे नीचे सोनिया, अरे हाँ नीचे सोनिया यादी, सोनिया का एड्रेस सोनिया अरोड़ा नीचे, सोनिया आएगी तो बताना, वो शायद बिजी थी अभी, मैंने किया था उसको ऐड। सोनिया अगर डर गया क्या आर्यमेस, ओ लाल कैप, हाँ लाल कपड़े और पहले कुली का काम करेगा, टी शर्ट तुझे लाके दूंगा ये। सोनिया आओगी क्या लाइव में, आओगी सोनिया? हाँ हाँ लविश भाई, तुम्हें सोनिया की कैसे याद आ रही है, आओगे क्या, आओगे क्या? नहीं जरूरी है, लड़के बुरे लग रहे हैं लाइव पे बैठे हुए। अरे मयूर चाचा, मयूर चाचा तो लड़का है भाई, लड़का है यंग अभी, तुम लोगों में 22 का भाई हूँ क्या, अग्नि कितना छोटा हूँ मैं तेरे से, मेरे से तो आप हो 8-9 साल छोटे हो भाई। ले अग्नि तो मिला मेरे से, वो तो ये फिल्टर लगाता हूँ मैं उम्र वाला। अरे भाई ने कम बताया, ये बूढ़े मुंह का फिल्टर है, ये आदमी जुबान नहीं फिल्टर लगा रखा है तुमने। ये लविश भाई, लविश भाई ये चाचा मुर्दों का फिल्टर लगा के आते, ये मुर्दों वाला फिल्टर के चाचा लगाते हैं। लेकिन पता है क्या, देखो मैं तो देखो बुजुर्ग आदमी के लिए दुआई कर सकता हूँ, ये कल वेंटिलेटर पे था। वो किसे बुजुर्ग कह रहा बड़े तेरे को चाचा, ऐड करो सोनिया, वो बुजुर्ग के मंत्री है साले मुझे, चल ठीक है 2 मिनट ही रहना। अरे कोई कोई अपने तो मैं दो बात करूंगा सोनिया से, फिर चाचा आप आ जाना दोबारा, सोनिया को देखा नहीं बड़े दिन हो गए। चाचा तो कह रहे बता, मैं तो छोटा मैन के मुर्दों वाला फिल्टर लगा के आते हैं यार, ऐसे मत किया करो चाचा के साथ, ऐसे मत किया करो यार। चाचा भाई बहुत फन भाई, बहुत अच्छा आदमी। हेलो कुमस्तान चिरलाई को कंपार्ट लाई सोनिया रोडा ऐप डाउनलोड नाउ। अमीको कहां गई आज? अमीको नो पोर्नो, अक्की रुक जा सोनिया, बेवफा हो तुम्हारे जैसी ना हो। क्यों भाई, मैंने इसे क्या किया अभी ये बताओ, मेरी जोड़ी तुड़वा के और अब खुद मैंने जोड़ी तुड़वाई, बाजी वाह भाई, ये बताओ आज के दिन में जोड़ियां बनती कहां? देखो मैं खुद तो चारपाई पे सोती हूँ, देखो किसने मुझे कहा गरीब है, उठा क्यों रखी है चारपाई? अरे ये मेरी मम्मी ने रखी हुई है, वो सफाई वाली आती ना सुबह सफाई करने, तो ये ऊपर पलंग के ऊपर ही चढ़ा रखी है। बहुत बढ़िया पलंग के ऊपर। भाई सोनिया से मिले हुए मेरे को 2 दिन बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। हाँ एक मैं वही बोलने जा रही थी कि दिवाली आ गई है, तो तुम कहाँ रह रहे हो आजकल? उधर ही हूँ मैं, तो भाई आना दिवाली पर, मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं भाई, सोनिया से जब मिले थे लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा था। अकी तुम भी आना, मैं अपने घर आई हुई हूँ वैसे गाजियाबाद ना। नहीं नहीं आदि, मुझे भी सोनिया से मिलके बहुत अच्छा लगा था, मैं तो करीब से मिला था बहुत। सही बात है, दिल से दिल मिलाया था हमने। नहीं दिवाली आ रही है भाई, देखो बहुत अच्छी बात है, दिवाली सबके लिए बहुत अच्छी आई यार। बिल्कुल अभी मेरी बात सुनो, हम लोग मिलेंगे दिवाली, हम लोग मिलेंगे जरूर जरूर जरूर। तुम आना मेरे घर पे, इसकी इसको तो पता है मेरा घर कहाँ पे है, मैं लाइव में नहीं बोल सकती, लेकिन इसको पता आदित्य को। वो अपना पर्सनली बात करेंगे आएंगे तो। अब ये महाराज जी तो पहुंच गए अमेरिका में, अब क्या बोले इनको, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती आओ कभी हमारी हवेली पर। अरे सुनो, उनकी तो हवेली सोनिया के नहीं, मेरे और सोनिया के ऐसे दिल मिले कि किसी के दिल टूट गए। टूट गई नहीं, लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ यार, ठीक है देखो हर एक चीज का ना एक टाइम होता है, वो भी एक मुलाकात थी, आदित्य से भी मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, वो भी एक याद, एक ना एक मेमोरी बन जाती है किसी के साथ ना। और जो अच्छे ग्रुप होते हैं वो जितना मर्जी लोग उनको भड़का ले वो अच्छे ही रहेंगे। आदित्य से मुझे मिले हुए 1 साल हो गए, हमारी लड़ाई हुई झगड़े हुए, देखो आज फिर भी हम लोग साथ में हैं यार। जी, तो ये बॉन्डिंग बनाने ही से होती है, लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, इंस्टाग्राम में जिसकी बुराइयां कर रहे होते हैं
उसकी शादी भी लाइव में बैठे होते हैं अगले दिन क्या होता है। देखो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे अपने दोस्त खुद ही बनाने पड़ते हैं। यहाँ तो लोग हर किसी के लिए बोलते हैं उसकी लाइफ में क्यों गए, उसके लिए उसके साथ क्यों बोली, उसको बेवकूफ बातें हैं। ये मैं दिवाली करके आई हूँ, मैं तो लाइव में आना ही मैंने बंद कर दिया लोगों के साथ। मैं नहीं आती किसी की लाइव में भी, अपनी लाइव चलाती हूँ, आती हूँ डांस करती हूँ फिर। और अपनी अपनी लाइव भी तुम मुझे लग रहा है बस ये 5 या 10 मिनट मैक्सिमम कभी कभी, मतलब बस 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 मैक्सिमम मैक्सिमम। कल मुझे नारंग ने फोन किया कि लाइव में ऐड कर ले, मैंने कहा यार ये मेरी अमी को लाइव में, इसमें ऐड किसी को नहीं कर सकते, सिर्फ ये कम पार्ट पे लाइव होती तो उसमें नो अमीगो इंस्टाग्राम पे, सिर्फ मेरा अमीगो होता उसमें। और मच्छर बहुत हैं भाई, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है मच्छरों से, सीरियसली बहुत मच्छर है हमारे गाजिया यूपी में, तो बहुत मच्छर भरे पड़े हैं। लेकिन यार अच्छे मतलब काट के तो मर जाते होंगे, साथ के साथ ही मर जाते होंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि वो दिवाली पे इनको, जो लोग इनको जीरा मच्छर कहते हैं, दिवाली पे जैसे ही सुबह उठे हैं खत्म हो जाते हैं तो डब्बे में पैक। जीरा मच्छर, जीरा मच्छर, हाँ इनको जीरा मच्छर बोलते हैं। तो ये सिर्फ लाइटों में ही आते हैं, वैसे तो आते ही नहीं, लेकिन हाँ लेकिन यार एक साल हो गया बताओ, मतलब लाइटों के पास भिन 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 कर रहे हैं आजकल। एक साल पूरा हो गया, देख लो पता भी नहीं लगा, एक साल पता भी नहीं लगा। नहीं ये मेमोरी होती है, देखो जैसे लोग भाई आए थे इंडिया, हम लोग उधर ऋषिकेश घूमने गए, बहुत अच्छा मजा आया। मतलब तो पता ये जो चीजें होती है ना, ये हकीकत बात है, अब से 6 महीने बाद ना जो हम आज बात कर रहे हैं ये चीजें याद आएंगी। अब से 1 साल पहले मैं सच में एक चीज में बहुत मिस करता हूँ, दीपक कलाल की लब लाइव आती थी जब उसने स्टार्ट किया था, जब मैंने मतलब 1.5-2 साल पहले, 1.5 या 1.75 साल, वो एक अलग टाइम होता था। फिर धीरे धीरे सारी चीजें ऐसी चेंज हो गई, सब बिखर गया, बहुत बहुत वो हो गया। पहले जो तीनों के साथ है ना, मेरी याद है जो तुम तीनों के साथ है भाई, उस यादों का तो कहना ही क्या। तुम सोनिया के साथ तो कुछ ज्यादा ही यादें हैं, पर तुम दोनों के साथ भी ऐसी यादें हैं। कुछ चंद चंद मेरी वो चंद दिन की मुलाकातें ही थी बस, और कुछ नहीं था, चंद दिन भी नहीं था कि मैं तो सोनिया तुझसे फोन करके हमने बोला था जब मैं स्ट्रिप कर रहे थे, क्या बोलते हैं ये भावना, सोनिया ना लास्ट टाइम भाग गई थी, मतलब इसका प्लान था हमारे साथ। वो तो बता, उसके बाद नहीं लविश हमने सोनिया के पास, अरे उसी बात के मान गई थी ये, पता नहीं एकदम से इसको क्या हुआ, एकदम से इसने प्लान चेंज कर दिया। लव यू भाई, जो भी कमेंट कर रहे हैं भाई, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ। लव यू भाई, सबको लव यू एंड सबको हैप्पी दिवाली भाई मेरी तरफ से। हाँ सबको एक्चुअली हैप्पी दिवाली, ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल नहीं, वैसे बहुत अच्छी मुलाकात थी यार, जो भी रही अक्की से तो चलो भी मैं मिली नहीं, मेरा पूरा प्लान था। लेकिन जब तुम ना, आप लोगों का प्लान तब बना था जब मैं चंडीगढ़ में थी। नहीं सोनिया, नहीं, मेरे को एड्रेस भी भेजा था कि मुझे। हां हां ठीक है ठीक है ठीक है। उस टाइम कुछ चल रहा था शायद, कुछ फेस्टिवल या ऐसा कुछ, मैंने ये जाना था चंडीगढ़ या कुछ था, मेरे याद है, मैं बताता हूं तुम्हारा, मेरे पास फोन भी आया था, कोई अर्जेंट वो आ गया था काम। ठीक है मुझे मैं बताता हूँ सोनिया का, मेरे पास फोन, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। आप गुड़गांव थे, मैंने अक्की भाई को फोन किया, कहाँ हूँ? आपने बोला भाई मैं लोविस भाई के पास जा रहा हूँ, राइट? तो मैंने कहा, इन्होंने मेरे से पूछा कहाँ हूँ, मैंने बोला मैं हरिद्वार था, मेरे पास सोनिया का भी आने का प्रोग्राम था, बट इसको उस शाम में कुछ काम था, लेकिन तुम्हें शाम तक हरिद्वार पहुंचना था, याद करो। फिर हम शाम को मिले थे, फिर हम ऋषिकेश गए थे रात को। सोनिया अब इन दोनों को जिस दिन इन्होंने बोला ना कि हम फ्री हैं, उसी दिन आ जाऊंगा और हम चारों ट्रिप पे चलेंगे इस बार। गोवा चलेंगे, गोवा गोवा चलते हैं, गोवा गोवा चलते हैं, पक्का पक्का। जहाँ सोनिया बोलेगी वहाँ चलेंगे, और किसी का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, सोनिया अकेली होगी बस, किसी का रिश्ता मैंने गिली नहीं होना यार, तुमको पता है वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे खुद भी नहीं पता जो भी हुआ, लेकिन बस ठीक है, नहीं हम लोग अकेले चलेंगे पक्का। यार सोनिया देखो एक बात बोलूं, वो ऋषिकेश वाले टूर पे जो मजा आया ना सच में, मतलब अगर तुम होती ना भाई तो और 4 चांद लगते, बहुत मजा आया, बहुत फन किया था। आज कितने दिन के लिए गए थे आप लोग?
पांच छह दिन तो रुके थे आपको शादी में जाना था आप और नहीं 10 दिन का टूर था वो 6 दिन में इसलिए वापस आए थे था, मेरी वजह से वो टूर थोड़ा सा डिले हुआ इस कमीने की वजह से वो टूर खराब हो गया नहीं तो हमारा ऐसा मन कर रहा था कि सोनिया को यहीं बुला ले वापस हाँ 10 दिन का टूर नहीं नहीं आदि कुछ यादें बुरी होती हैं कश्मीर के ट्रिप की तरह और कुछ इतनी अच्छी होती हैं कि भुलाई नहीं जाती पर एक बात बताऊं जितना टाइम सोनिया के साथ बताया ना इतना मजा आया कि सोनिया के जाते ही मेरा दिल टूटा असली उसके जाने भी नहीं मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की अगर कोई गलती रही होगी ना मैं सीरियसली बोलू सी वो ही रही होगी अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे कोई दुख नहीं होता मैं किसी को लात घूंसे भी बजा देती तो भी मुझे दुख नहीं होता लेकिन आदित्य को मैं डंडों से भी पीट देती मुझे तो भी दुख नहीं होता लेकिन मुझे उस ट्रिप का बहुत दुख है। अच्छा मैं एक चीज और बोलूंगा लोगों का बहुत सारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मिलने के बाद उनके रिश्तों में कड़वाहट आई है मैं सोनिया से मिला मेरे इसके बीच में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई कि हाँ, हमारा कंट्रोवर्सी थी ठीक है होती रही डजंट मैटर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं नहीं हमारी मतलब कभी भी वो चीजें नहीं हुई कि कुछ भी अक्की से भी लड़ाई नहीं हुई और ना ही मेरी इससे लड़ाई हमारी कभी वैसे अक्की तो मेरी कभी लड़ाई हुई है वैसे नहीं मेरे को नहीं लगता हुई है मेरी कभी कंट्रोवर्सी कभी नहीं हाँ हमारी नहीं हुई बस मैं तो पारस के साथ सोच के बैठी थी कि मैं इनके साथ पारस के साथ वहां चली जाऊंगी पारस नहीं अरे लविश पारस को क्यों खराब कर रही हो पारस को याद कर रही हूँ मैं नो वे मैं किसको याद कर रही हूँ नो ओह माय गॉड सीरियसली नो नो का मतलब नो थैंक यू अच्छा तो आपके बच्चे भी स्कूल में हो गए वहाँ पे एडमिशन ले लिया हाँ, स्कूल में हो गए अच्छे से जाते हैं बहुत अच्छे से स्कूल जा रहे हैं मतलब मैं इनको घुमाता हूँ इनकी छुट्टी वाले दिन इनको पार्टी वार्टी करवाता हूँ मन लग गया अभी उनका बहुत अच्छे वैसे मेरा लड़का तुम्हारा फैन हो गया सोनिया नहीं वो इज वेरी क्यूट यार क्यूट मैं तो ये चाहूंगा सोनिया मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ मैं सोनिया ये चाहता हूँ कि आप लोवेस भाई के लड़के की माँ बन जाओ उसको प्यार ये देखो नहीं आई एम रेडी हेलो कैसे हुआ व्हाट्स योर नेम अच्छा आपने अमेरिका में क्या क्या सीखा ये बताओ इसने अभी अंग्रेजी नहीं सीखी अच्छा अंग्रेजी नहीं सीखी बाकी और क्या क्या सीखा वहाँ पे कुछ सीखा आपने अभी तक सीख लिया है पर मैंने ब्लूटूथ लगाए हुए ना कानों पे तो इसको सुनाई नहीं दे रहा बस ये तुम्हें देख रहा है गौर से देखो इस चेहरे को तो इसको बोलो इसका नाम तो बताइए कुछ तो बताइए यार वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा बेचारा इसका नाम नमन है नमन 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 एक तो अभी तो इसके कान में भी लगा दो एक अपने में लगा दो एक अपने में रखो हाँ बोलेगा अब बात कर सोनिया अब कर सोनिया आपका नाम क्या है वैसे मेरे नाम क्या होगा नाम सोनिया कुछ और मत बोल देना ध्यान से नहीं 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 आई नो यार वेरी वेल पता है बच्चे नहीं मैं कुछ पूछ रही थी यार स्कूल के लिए पूछ रही आपके स्कूल ओपन हो गए वहाँ पे चल रहे हैं आपके स्कूल इज वेरी शाय इज वेरी शाय पर्सन ना आप बहुत शाय नहीं है अब सोनिया सामने बैठी है तो शाय नहीं है इसलिए वो नजरी नहीं बेटा बेटा सुनो आप एक काम करो आप एक बार ऐसे बोल दे आप सोनिया मम्मी बोल दो उनको ये बहुत छूट है मतलब आप इनको मम्मी अच्छा आप मुझे अपनी मम्मी बनाना पसंद करोगे ये बताओ बोलो पापा को मत देखो पापा तो राजी बच्चे तो राजी हो बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है यार ऐसे नहीं होता अच्छा आपको मैं अच्छी लगती हूँ मैं आप मुझे अपनी मम्मी बना लोगे ये बताओ बता